जबलपुर में संभागायुक्त तो महेश चंद चौधरी ने स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने नगर निगम को बरसात आने के पहले जिले में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है समय पर सफाई व्यवस्था कर ली जाए ताकि बरसात में जल प्लावन की स्थिति न बने। संभागायुक्त चौधरी ने शीघ्र ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। देखिए, वर्तमान में कोरोना का जो संक्रमण है और महामारी है, ये जो है विकराल रूप ले चुकी है और जबलपुर शहर में भी इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इस समय 13 कंटेनमेंट जोन शहर में बने हुए हैं। 2 जो है बड़े जोन हैं जो लंबे समय से जिसमें पेशेंट निकल रहे हैं। हनुमानताल, गोहलपुर और चांदनी चौक का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया बना हुआ है और इससे हर दिन जो पेशेंट है वो निकल करके आ रहे हैं। दूसरा, रानीताल के साइड से जो कॉलोनी है जिसमें हमारा सफाई कामगार रहता है, उस कॉलोनी से भी 1-2 पेशेंट निकल रहे हैं। ये 2 एरिया चिंताजनक है प्रशासन के लिए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इन इलाकों में सघन सर्वे करके जो हाइपर सेंसिटिव मामले हैं, क्रिटिकल मामले हैं, इनको चिन्हित किया जा रहा है। उनकी सैंपलिंग भी ली जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि इलाज करके उनको ठीक कर लिया जाए और आगे जो केस है वो जनरेट ना हो। स्थानीय जो रहवासी हैं उनका भी ये दायित्व बन जाता है। नगर निगम जबलपुर में आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। पहली बैठक जो माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा, जो हमारे प्रशासक भी हैं, स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक थी। उन्होंने 3 स्पष्ट निर्देश दिए कि हम जो है तत्काल सभी ठेकेदारों को पत्र लिखें, सभी ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दें कि वो काम आज जो है नगर निगम जबलपुर के अंतर्गत जो है 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। पहली बैठक में माननीय प्रशासक संभागीय कमिश्नर द्वारा जो है स्मार्ट सिटी की बैठक ली गई, उसमें उन्होंने 5 महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पहला, उन्होंने निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी कार्य चल रहे हैं उन सभी कार्यों को प्रारंभ किया जाए, इसके लिए ठेकेदारों को पत्र लिखे जाए और सभी ठेकेदारों को स्वीकृति प्रदान, कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।